हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन्थ वर्कशीट, इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 26, जो आपकी 3 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, इसके अंदर ना बेसिकली आप करने क्या वाले हैं, एक जो स्टोरी होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक कहानी के अंदर जो डिफरेंट अलग अलग पड़ाव आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव श्योर यू ऑल लव टू लिसन स्टोरीज। वो बोल रहा है कि आप सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, दे आर सो मच फन, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर मज़ेदार कहानियाँ होती है। वी विल लाइक लिसनिंग फोक टेल्स, गोस्ट स्टोरीज, स्टोरीज विद फेरी एंड विजर्स, स्टोरीज विद चिल्ड्रन, स्टोरीज विद मैजिक, स्टोरीज अबाउट आर गॉड्स एंड एलियन, स्टोरीज अबाउट आर सुपर हीरोज। तो क्या करते हैं हम, जब छोटे होते थे तो अपनी दादी नानी जो है, या अभी जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी दादी नानी या मम्मी पापा से कहानियाँ सुनते हैं, परियों की कहानियाँ सुनते हैं, राक्षस की कहानी सुनते हैं, एलियंस की कहानी सुनते हैं, कोई सुपर हीरो शक्तिमान वगैरह है उनकी कहानी सुनते हैं, ठीक है, गॉड के बारे में कहानी सुनते हैं, भगवान के बारे में उनको कहानी सुनाते हैं कि भगवान शिव भगवान ने ये किया, विष्णु भगवान ने ये किया, ठीक है, तो देवी देवताओं के बारे में कहानियाँ जो है उनको सुनाते हैं। द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग वॉज ए किड एज ए किड वॉज अबाउट ए टोर्टोइज एंड रैबिट। तो सभी जो बचपन में एक स्टोरी पढ़ते हैं ना, वो है एक द टोर्टोइज एंड रैबिट, यानी कि खरगोश और कछुआ, ये हम सब देखते हैं, ठीक है। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम बैक। तो उसके बाद में एक स्टोरी और थी जो हम सब पढ़ते होते थे, दैट इज़ प्यासा कौआ, ठीक है। डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी यू रीड और हियर्ड व्हेन यू वर किड। तो आपको कोई स्टोरी पता है जो आपने रीड की हो, ठीक है, या आपने सुनी हो अपने पेरेंट्स से जब आप छोटे थे, ठीक है। सो डू यू नो द स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। तो स्टोरी के पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो कैरेक्टर होता है, एक सेटिंग होती है, एक प्रॉब्लम होता है और एक सॉल्यूशन होता है। अब आप स्टोरी को कंपेयर कर सकते हो हमारे जो सीरियल्स आते हैं डेली सोप्स, या आप फिल्म से कवर कर देख सकते हो, ठीक है, फिल्म से उसको जो है कंपेयर कर सकते हो। अब फिल्म क्या होती है, एक फिल्म के अंदर कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, एक फिल्म के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो का रोल होता है, हीरोइन का रोल होता है, ठीक है, उनके अलग अलग नाम होते हैं, एक विलेन होता है, ठीक है, कोई नेता लोग होते हैं, तो वो होते हैं कैरेक्टर, द पीपल एनिमल्स और क्रिएचर्स इन द स्टोरी जो भी होते हैं। सेटिंग क्या होती है, जिस सेट के ऊपर पिक्चर जो है वो शूट की जाती है, कोई क्या करता है शिमला में जाके शूट कर रहा है, कोई राजस्थान में जाके शूट कर रहा है, ठीक है, तो कहीं पे जो है वो बारिश वाले मौसम में शूट की जा रही है, कहीं पे गर्मी में शूट की जा रही है, कहीं पे सर्दी में शूट की जा रही है, ठीक है, तो वो होती है सेटिंग। सेट बोलते हैं ना एक्टर लोग बोलते हैं कि हम सेट पे जा रहे हैं, तो सेटिंग वो वाला, ठीक है। वेयर एंड वेन द स्टोरी टेक प्लेस, प्रॉब्लम, उसके बाद में क्या होता है, हीरो हीरोइन की लाइफ चलती है, फिर उनके बीच में विलन है, वो एक प्रॉब्लम बन के आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, या तो उसने हीरोइन के परिवार वालों को मारा होता है या हीरो के परिवार वालों को मारा होता है, फिर वो बदला लेते हैं, ठीक है, तो वो होती है प्रॉब्लम, कि उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन करेक्टर फेसेस, जो मेन हीरो और हीरोइन हमारी जो करेक्टर है वो फेस कर रहे हैं उसको। उसके बाद में सोल्यूशन, फिर वो क्या करते हैं, उसका बदला लेते हैं विलन से, ठीक है, और उसके बाद में उसको सुलझा देते हैं और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है, हैप्पी एंडिंग, ठीक है, तो वो हो गया। तो मैंने एक आपको फिल्म के माध्यम से बताया करेक्टर्स क्या होते हैं, हीरो हीरोइन विलन उनके मम्मी पापा जो भी बने होते हैं, ठीक है, कोई नेता वगैरह जो होते हैं। उसके बाद में सेटिंग, यानी कि जिस सेट के ऊपर उनको शूट किया जाता है, कौन से वेदर में शूट किया गया, कहाँ पे उसको शूट किया गया, कौन सी कंट्री में किया गया, कौन से ठीक है देश में, किस मौसम में, कब किस दिन शूट किया गया। प्रॉब्लम, यानी कि हीरो हीरोइन किसी प्रॉब्लम में जैसे फंस जाते हैं, हर फिल्म में होता है, फिर लड़ाई होती है विलेन के साथ और फिर उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। इन दिस वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए स्टोरी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सो दैट वी आर एबल टू राइट एंड शेयर स्टोरीज वी वॉन्ट। तो ये हम अलग अलग एक स्टोरी हमें दी हुई है, उसके अंदर से हम निकालेंगे करेक्टर, उसका उसकी सेटिंग, उसकी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टोरी है, दैट इज़ प्यासा कौआ ही है, बट द थ्रस्टी क्रो, बस इसको अलग नाम दिया हुआ है, दैट इज़ ए क्रो एंड द पिक्चर, द क्रो एंड द पिक्चर। इन ए स्पेल ऑफ ड्राई वेदर, एक ड्राई वेदर यानी कि सूखे मौसम के समय में, स्पेल का मतलब होता है समय में, वैन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटल वाटर टू ड्रिंक, जब पक्षियों को बहुत कम पानी जो है वो पीने को मिलता था, ए थ्रस्टी क्रो फाउंड ए पिक्चर विद लिटल वाटर इन इट। तो एक थ्रस्टी क्रो को क्या मिलता है, एक पिक्चर मिलता है, एक घड़ा मिलता है जिसके अंदर बहुत कम पानी होता है, बट द पिक्चर वॉज हाई, पिक्चर जो है वो हाई होता है, ऊंचा होता है, और उसकी जो नेक होती है, उसका जो मुँह होता है वो नैरो होता है, ठीक है, एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड, और कौआ बहुत ट्राई करता है, वो पानी को रीच नहीं कर पाता, द पुअर थिंग फेल्ट एज इट मस्ट ही मस्ट डाई ऑफ थ्रस्ट। तो फिर वो जो है पुअर थिंग क्या थी, कि पुअर थिंग का मतलब दुख की बात ये थी कि वो
सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने पानी नहीं पिया तो, ठीक है. सो उसके बाद में उसके दिमाग में एक आइडिया आता, देन एन आइडिया कम टू हिम. पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स, कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उसने उठाए, ड्रॉप किए किसके अंदर, पिचर के अंदर, वन बाय वन. विद ईच पेबल द वाटर है वो रोज हो रहा था अ लिटल हायर, वाटर रोज अप हो रहा था, ऊपर ऊपर चलता आ रहा था धीरे धीरे, जैसे वो कंकड़ उसके अंदर डाल रहा था, ठीक है. और एट लास्ट इस प्रोसेस को वो तब तक करता गया, कंकड़ वो तब तक डालता गया जब तक पानी उसकी पहुँच तक नहीं आ गया. और उसके बाद में जब वो पानी पीने, मतलब उसकी चोंच तक पहुँचने लग गई या चोंच उस पानी तक पहुँचने लग गई, तो उसने पेबल्स डालने बंद किए, पानी पिया और वो उड़ गया, ठीक है. ये थी हमारी स्टोरी. तो इसमें हमने बताना है करैक्टर क्या है. तो करैक्टर कौन है, क्रो, लिविंग जो करैक्टर्स, ठीक है. हीरो हीरोइन की बात तो एक ही हीरो है यहाँ पे, क्रो. उसके बाद में सेटिंग, कब की सेटिंग में, कोई और तो हमें दिया नहीं, और उन्होंने वेदर बताया हुआ है कि ड्राई वेदर है, ठीक है. उसके बाद में जो हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, यानी कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं. उसके बाद में है प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम क्या थी, द थ्रस्टी क्रो फाउंड ए पीचर ऑफ वाटर. जो थ्रस्टी क्रो था उसको पीचर मिला, पानी का घड़ा मिला, बट द वाटर वॉज वेरी लो, पानी बहुत नीचा था. ही ट्राइड बट कुड नॉट रीच द वाटर इन द पीचर. और उसने ट्राई किया, बहुत कोशिश की, पर वो पानी तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है. उसके बाद में उसने उसका सॉल्यूशन कैसे किया, एन आइडिया कम टू द क्रो, आइडिया आया उसके पास. ही स्टार्टेड पिकिंग अप स्मॉल पेबल्स एंड ड्रॉप देम इनटू द पिचर वन बाय वन. विद ईच पेबल द वाटर रोज लिटल हायर. ही कंटिन्यूज पिकिंग अप स्मॉल पेबल्स एंड ड्रॉप देम इनटू द पिचर अंटिल इट वाज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक. उसने ये प्रोसेस, उसने जो कंकड़ डालने शुरू कर दिए पानी के अंदर, और कंकड़ डालने से पानी ऊपर आता गया, और तब तक उसने कंकड़ डाले जब तक उसकी पहुँच तक पानी जो है वो आ नहीं गया, और उसने पानी पिया और उसके बाद में वो उड़ गया, ठीक है. तो इसी ये यहाँ पे पॉज करके आप अपने क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए. इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 26 जो है वो खत्म होती है.